तो गाइस ये 300 रुपये मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें मिलता है, जैसे कि आपको जो भी चाहिए ये मार्केट में मिल जाएगा आप लोग को, क्योंकि ये कमर्शियल सिटी है तो इसमें सब कुछ मिलता है, मतलब यहाँ पे किसी की जगह में सब कुछ मिलता है। यहाँ पे हर जगह गली गली है, देखो ये भी गली है, मतलब 10-12 गली है ही, आप जहाँ भी जाएंगे गली मिलता रहेगा। टीवी लेके घूम रहा है, बोलेगा ये लोग इतना। तो भैया जी, पहले मेरे को लगता था कि अगर मैं आईपैड लेके घूमूंगा मार्केट में तो लोग बोलेगा टीवी लेके घूमता है, और बहुत लोग बहुत ताने भी मारता है मतलब, लेकिन मैं अभी तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, कोई जो भी बोले, बाहर में जाए अपना काम बनता है, बाहर में जाए दोनों में जाए अपना काम बनता तो बाहर में जाए, जनता बात वही है, अपना काम करो भाई। और ये मेरा फर्स्ट पब्लिक ब्लॉगिंग है, मैं 300 के मार्केट में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोई कुछ भी बोले, मैं बिंदास ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मतलब। तो भैया जी, हम लोग हैं अभी विशाल मार्केट के सामने, तो मेरा ये जो भाई है ये बोल रहा है कि थोड़ा थोड़ा अंदर जाके आते हैं मतलब, तो कुछ तो लेना नहीं है वैसे, कुछ प्लानिंग नहीं है, फिर भी देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो ले लेंगे कुछ टी शर्ट वगैरह। तो चलिए अभी जाते हैं विशाल में, मेरे को जाने का इच्छा नहीं है लेकिन ये फिर भी फोर्स कर रहा है तो जा रहा है अभी, इसका ढक्कन लगा दो। तो देखिए गाइस, मसला कुछ ऐसा है, क्योंकि हम लोग विशाल के अंदर जाना चाह रहा था, वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे वीडियो करना अलाउ नहीं है, हर जगह वीडियो करना अलाउ रहता है, एयरपोर्ट में भी अलाउ रहता है, और यहाँ पे क्या मसला है भाई, यहाँ पे बोल रहा है कि अलाउ नहीं है, जो भी है अभी क्या करेंगे, अभी वो लोग बोल रहे हैं अलाउ नहीं है तो हम क्या कर सकते। तो अभी जल्दी खाना खाने के लिए, तो इधर वो बोल रहा था कि बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो हम लोग खाना खाते और चलिए अभी गाइस, और क्या करें मतलब, आज का प्लानिंग जो है पूरा एकदम फ्लॉप हो गया। जी हम लोग का खाना वाना हो गया, अभी थोड़ा शरीर में थोड़ा एनर्जी ताकत आ चुका है, तो अभी निकलते हैं घर के लिए। तो चलिए, अभी थोड़ा पान बन खा लेते, हाँ थोड़ा पान बन खा लेते, क्योंकि हम लोग बनारसी भभुआ है, बनारसी भभुआ को तो पान खाना पड़ेगा ना। टीवी लेके घूम रहे हम, हाँ इधर आया। तो अभी हम लोग थोड़ा पान बन खा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे अभी घर, क्योंकि हम लोग का आज जो मतलब ट्रेनिंग था वो सब तो चपट हो चुका है, कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे वाले भाई क्या बोलता है कि बनारस आए और पान ना खाए कैसे होगा, बनारस का पान खाने के बाद जो एक्शन निकलता है ना मुँह से, मतलब वही वो लोग का एक्शन है मतलब। भैया जी, आपके टीवी का दाम कितना है? मेरा टीवी का क्या बोले यार, टीवी लेके घूम रहा हूँ रास्ते में, अभी लोग बोल रहे हैं आईपैड को टीवी बोल रहे भैया, अभी सोचिए क्या बोले, अभी लोग को कैसे समझाए कि ये आईपैड है टीवी लगे। अरे सच में यार, ओए उस दिन गया था ना तिबाम में, वो पंडित जी हो ना, वो बोला ये तो लैपटॉप है क्या, बोल रहे टीवी बोल रहे हैं क्योंकि उनके घर में टीवी नहीं। तो सुनो ना, फिर बोला कि ये लैपटॉप मेरे को नहीं बोल रहा है, मेरा जो स्टूडेंट था ना, मैं तो शूट कर रहा था, तो उसको बोला था कि ये लैपटॉप है क्या, कितना लिया, 15,000 रुपया, 10,000 रुपया, तो बोला नहीं दाम बहुत है इसका, और कितना ही होगा, उतना ही तो होगा ना। पहचान का एक लड़का था, वो भी ऐसे लिया था टेबलेट, लेकिन कोई काम नहीं लोग नहीं था। तो बात वही है, अगर हम लोग चीज़ें लेते हैं ना तो उसका जो सही तरीका है उसको इस्तेमाल करने का वो करना चाहिए। सोच रहे भैया चोरी लेंगे क्या? और चोरी किसके लिए ले भाई, आजकल चोरी कौन पहनता है, चोरी नहीं सॉरी सॉरी फिर से, आजकल चोरी ना, चोरी क्या होगा, हाँ आजकल चूड़ी कौन पहनता है भैया? तो भैया जी, ये जो चूड़ी आप लोग देख रहे हैं ये पहले के ज़माने में चल रहा था, लड़की लोग बहुत पहनते थे ये, अभी जो मॉडर्न ज़माना आ गया अभी कौन पहनता है ये सब, है कि नहीं? भैया जी शुक्रिया पान के लिए। सो
गाइस ट्रेन पहुंच चुका है अभी स्टेशन में, हम लोग जा रहे हैं अभी घर। भैया जी अभी हम लोग का जो सफ़र है वो ख़त्म हो चुका है, हम लोग अपने घर पहुंचने वाले हैं, ट्रेन से उतर गए। जो भी एक्सपीरियंस रहा, खट्टा मीठा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। बुरा मतलब क्या है, मेरा जो आईपैड का स्क्रीन है वो टूट गया। इतना भी बुरा नहीं लगा, लेकिन फिर भी यार अच्छा चीज़ अगर तुम्हारे हाथ से चला जाता है या फिर कुछ उसमें नुकसान पहुँचता है तो थोड़ा बहुत तो बुरा लगता है ना। तो कोई नहीं, इतना भी हाईली डैमेज नहीं हुआ, जस्ट एक स्केच लगा है आईपैड में। जो भी है, जितना भी एक्सपीरियंस रहा आज का बहुत अच्छा रहा। हम लोग घूमे, खाए, पिए, जस्ट जो प्लानिंग करके गए थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि पार्क में घूमना था और साथ में सिनेमा भी देखना था, सिनेमा अच्छा नहीं लगा इसलिए सिनेमा भी देख नहीं पाया। जो भी है, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। तो आप देख सकते हैं भैया के आईपैड को सब टीवी बोल रहे हैं, क्योंकि उनके घर में बीवी नहीं है इसलिए इनको टीवी बोल रहे हैं।